आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर शार्क मीडिया न्यूज से। हम आ गए हैं इस समय मदरिया ग्राम सभा में। ये ग्राम सभा मीरपुरवा ब्लॉक में स्थित है। यहाँ मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप है। मच्छर से संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारियाँ जैसे डेंगू, इंसेफ्लाइटिस आदि तमाम बीमारियाँ यहाँ पनप रही हैं। ग्राम प्रधान ने कई बार विकास खंड कार्यालय में अन्य अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई है, पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस ग्राम सभा में और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा के प्रधान रोशन अली से और UPCLDF के डायरेक्टर अभिषेक वर्मा सौरभ से। मेरा नाम अभिषेक वर्मा सौरभ, मैं डायरेक्टर UPCLDF में हूँ और ये पैतृक गांव है मेरा। मैं शहर में रहता हूँ भले, लेकिन परिवार के लोग यहाँ भी रहते हैं। फिलहाल आज के समय में तो कोरोना महामारी तो बहुत है ही है, उससे बचाव किया ही जा रहा है किसी तरीके से, सैनिटाइजर कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जाता है। लेकिन इस समय डेंगू मलेरिया इसका बहुत प्रकोप है। इस समय यहाँ सब बच्चे हैं, खुले में सब है, शौचालय बन चुके हैं यहाँ। यहाँ एंटीजन लार्वा का छिड़काव हुआ था? नहीं 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 हुआ। फॉगिंग मशीन आई थी? नहीं, फॉगिंग मशीन भी नहीं आई। और मच्छरों का इसमें प्रकोप बहुत ज़्यादा स्तर पर है, इससे बचाव के लिए यहाँ छिड़काव, मलेरिया से बचाओ, डेंगू से बचाओ, इसके लिए छिड़काव बहुत ज़रूरी है, जिससे गांव सुरक्षित रह सके। सैनिटाइजेशन भी हुआ होगा? हाँ, सैनिटाइजेशन हुआ, लेकिन फॉगिंग मशीनों से छिड़काव नहीं हुआ। नहीं, फॉगिंग मच्छर जनित बीमारियों का कोई इलाज अभी नहीं हुआ, नहीं रोकथाम। इसके लिए ब्लॉक को लिखा गया था, प्रधान जी से आपने कहा था? यहाँ के प्रधान जी ने शायद अवगत भी कराया है। प्रधान जी बताएंगे, प्रधान जी ने अवगत भी कराया। जी जी बताइए, आप यहाँ के प्रधान हैं जी? क्या नाम है आपका? रोशन अली। रोशन अली, यही लॉकडाउन के बाद में एक बार लॉकडाउन में दवा पड़ी थी, उसके बाद में कोई ऐसी दवा नहीं पड़ी। इसकी सख्त ज़रूरत है कि दवा मतलब सरकारी मिले और हम उसको नाली पे छिड़कवाएं, क्योंकि मच्छर की समस्या सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मच्छर की समस्या बहुत ज़्यादा है, इससे बीमारियाँ भी हो रही हैं लोगों को? जी जी। किस अधिकारी को आपने अवगत कराया? खंड विकास अधिकारी से कहा? ने करवाए थे, लॉकडाउन में हुआ था, दो बार हुआ है। दो बार हुआ, लेकिन उसके बाद भी मतलब मच्छर की पैदावारी बहुत है। अभी भी है? अभी भी है। इस संबंध में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी दो तीन महीने से तो नहीं पड़ेगा। सामुदायिक शौचालय है ये? जी, पूर्ण हो गया, लगभग पूर्णता की ओर। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे काम रह गया, गेट तो का ही। पंचायत भवन आपका ठीक ठाक है? जी। इस सत्र में कितने आवास आए थे? इधर कि अगले में? नहीं, आवास प्लस में कितने आवास आए थे? अभी जी आवास प्लस में आए हैं 190। 190 फाइनल नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ। जांच हो गई? जांच तो हुई है, दो बार जांच हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। मतलब कितने आवास आए जब से आप जीते हैं, दिसंबर 2015 से? एक में आए थे लगभग वही 82 आवास 2015 के बाद में, उसके बाद में इधर आए हैं 2020 में 190। 190 जी। पानी की टंकी है आपके यहाँ? नहीं, पानी नहीं। सद्भावना मंडप? नहीं, सद्भावना मंडप नहीं। नहीं, जल जमाव भी होता है इसके अलावा ग्राम सभा में? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, इसकी समस्या नहीं है, क्योंकि नाली रोड सब अच्छे से बनी हुई है। लगभग कितने मीटर रोड बनवाया आपने? अरे वो तो हम जोड़ेंगे तो बहुत सारी मीटर रोड है, अब पूरा हमारे पास बारो टाटा देखना पड़ेगा कितना बनवाए। कितने वोटों से आप जीते थे? 135 वोट से। जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, अगर गांव की जनता पुनः मौका देती है आपको जी, तो क्या कार्य कराना चाहेंगे गांव के लिए आप? और बेहतर से बेहतर काम करेंगे, इससे भी बेहतर और काम करेंगे जो हमसे हो सकेगा। पशुओं की समस्या भी है आपके यहाँ? पशु आश्रय स्थल हैं कि नहीं? नहीं नहीं, पशुओं की समस्या ये नहीं है, बीमारी का आए थे, एक साल पहले आए थे। हाँ, ब्लॉक से डॉक्टर एक साल पहले आए थे, उसके बाद में तो नहीं आए इधर, और उतनी समस्या है भी नहीं अभी। एक साल पहले थी तो दवा के लिए आए थे, उसके बाद में तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं। मच्छर जनित बीमारियों की समस्या है सबसे ज़्यादा। शार्क मीडिया न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।